दोस्तों फाइनली हम करते हैं अनबॉक्सिंग प्रिंटर की, और ये हमारा कुछ इस तरह से प्रिंटर। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले मिलती है ब्लैक की दो बोतल। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक की दो बोतल मिल रही है, और इसके साथ साथ ये मैं साइड में रखता चलता हूँ, दो बोतल ब्लैक की है, और बाकी जो हमारे पास है येलो, श्यान और मैजेंटा, ये तीन जो इंक है इनकी सिंगल सिंगल बोतल मिलती है, और बाकी ब्लैक की हमें इस बार दो बोतल मिली है। सो ये इंक मैंने रख दी साइड में। इसके साथ है इसकी यूएसबी कोड, जिससे यूएसबी कनेक्टिविटी से हम कंप्यूटर से लैपटॉप से हम इससे प्रिंट आउट ले सकते हैं, और साथ ही प्रिंटर वैसे वाईफाई वाला है तो आप इससे डायरेक्ट मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये है दोस्तों प्रिंटर की पावर केबल, तो ये कनेक्ट करके हम इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इसके जो एसेसरीज साथ में निकली है वो है, और अब हमारा फाइनली प्रिंटर जो है दोस्तों, ये है हमारा प्रिंटर, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये इसमें प्रिंटर। साथ में इसमें हमें मिलता है ये दोस्तों अब हमारे पास है इसकी यूजर मैनुअल और इसका पेपर पिकअप क्लीनर। हमारे पास जो ये है ये जो हमारे पास टूल है ये बेसिकली पेपर पिकअप जो रोलर होता है उसको क्लीन करने काम आता है। आप देख सकते हो क्लीनिंग किट फॉर पेपर पिकअप रोलर। तो ये जो हमारा टूल है ये इसका यूज कैसे करते हैं इसका कभी किसी और डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब हम निकालते हैं प्रिंटर को, और ये इसकी यूजर मैनुअल है, और इसके साथ इसमें इसकी सीडी भी है जिससे इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आजकल कोई भी प्रोडक्ट लो आप, उसके जो ड्राइवर होते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से वैसे मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सीडी है जिससे हम इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में वो यूजर मैनुअल है इसमें, और आई थिंक इस बार पेपर नहीं दिए क्योंकि हर बार एक डेमो पेपर मिलता है क्वालिटी चेक के लिए, या फोटो पेपर मिलता है जो कि हम फोटो निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास है ये प्रिंटर, प्रिंटर के साथ में ये यूजर मैनुअल सीडी, और हमारे पास ये इसकी यूएसबी कोड, पावर कोड, और इसके साथ में दो इंक ब्लैक, हम इस पर जूम कर सकते हो, दो इंक ब्लैक बोतल, दो इंक की ब्लैक, और ये हमारे पास इसकी एसेसरी इसके साथ में ही है, एसेसरी या इसके साथ जो पूरा पैकेज है। इस पैकेज में हमारे पास दो ब्लैक की इंक और तीन ये सीवाई में इंक निकलती है, येलो, श्यान, मैजेंटा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो निकला है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर कोड ओपन कर लेते हैं, इसकी पावर कोड हमने ओपन कर ली है, और जो ब्लैक इंक है इस इंक को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इसमें एक बार में एक ही बोतल फिल होगी, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो एक बोतल की है, तो ये बाद में काम आएगी जब ये हमारी बोतल एक ख़त्म हो जाएगी। तो हम अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे इंक की बोतलों को सबको एक साथ खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमारी इंक की बोतल आ चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, इन सब इंक की बोतल की जो पैकिंग होती है वो हम हटाएंगे। सो
अभी दोस्तों जितने भी ब्रांड हैं सब में जो इंक फिल करते हैं उसका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो चुका है, क्योंकि पुश भी नहीं करना पड़ता। मतलब पहले ये होता था कि अपन को या तो पुश करो, और पहले वाले तरीके में क्या होता है इंक के छींटे भी लग जाते हैं उसको डालते टाइम, तो अभी ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया सारी कंपनियों ने, चाहे वो HP हो, कैनन हो, एप्सन हो, सबके पास ये सिस्टम कर दिया, सबकी कैप कुछ इस तरह से हो चुकी है। सो ये हम हटाते हैं इसकी पैकिंग। दोस्तों हमारी बोतल रेडी है फिल होने के लिए, फिल करने के लिए, प्रिंटर की टैंक को फिल करने के लिए। तो अब हम इनको फिल करते हैं। दोस्तों ये है हमारा ब्रदर का प्रिंटर, फाइनली ये प्रिंटर ओपन हो चुका है। तो अभी हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों अब देखो हमारे प्रिंटर में, ये है हमारे प्रिंटर का डैशबोर्ड, और आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेम टू सेम वही कलर फोटोकॉपी करने के लिए, और ये हमारा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करने के लिए। ये हमारा मेनू का बटन है, और ये इसका सिंगल लाइन डिस्प्ले पैनल है। यहाँ पे इसके जो जो ऑप्शन है सारे यहाँ बता देता है। तो ये हमारा प्रिंटर हो गया, और सेम इसमें USB केबल लगाने के लिए जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे। यहाँ से उठाने के बाद में यहाँ इसकी USB लगती है, जो USB केबल है हमारी वो यहाँ पे कुछ इस तरह से लग के और वो बाहर यहाँ से निकल जाती है। तो इसको लगाते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारी USB कॉर्ड है, ये इसकी USB कॉर्ड है। तो इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल है, हमने इसको प्रिंटर को ऐसे ऊपर उठा लिया है। आप यहाँ पे इसकी केबल लगा सकते हो, ये केबल लगा दी मैंने, और अब हम इसको सीधा इधर से बाहर निकाल देंगे। ये केबल सीधी इसकी बाहर निकल चुकी है, और अब हम इस प्रिंटर को फिर से बंद करेंगे। इसमें अगेन हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये प्रिंटर बिल्कुल भी इसने नॉइज नहीं किया, बिल्कुल गिरने की आवाज़ नहीं, ये खुद ही ऑटोमेटिकली स्मूथली नीचे डाउन हो गया और ये बंद हो गया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये अगर केबल खींच भी जाए तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बिल्कुल सेफ़ एक कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। और ये हमारी केबल लग चुकी है कंप्यूटर के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी ट्रे में कंपनी कहती है इसमें 150 पेपर लोड होते हैं, तो शायद पहले वाले मॉडल में पेपर ज़्यादा लोड होते थे, अभी शायद इन्होंने कुछ इसमें अपडेट किया है शायद, या तो पेपर की कैपेसिटी कम की है। आई थिंक पेपर सेम टू सेम पहले वाली साइज़ ही है ट्रे की। तो यहाँ पे हम इसे कोई भी साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें A4 पेपर लगा सकते हैं, हम चाहे तो इसमें लीगल पेपर, या हम चाहे तो कोई भी कस्टम पेपर लीगल साइज के अंडर जो भी साइज आती है वो हम लगा सकते हैं, चाहे वो 4/6 फोटो का पेपर क्यों ना हो या कोई सी भी साइज क्यों ना हो, तो ये हम इसमें लगा सकते हैं। तो ट्रे लग चुकी है, और ट्रे में एक पेपर हम लोड कर देते हैं, क्योंकि अभी प्रिंटर रेडी होते ही हमारे पास सबसे पहले टेस्ट पेज निकलेगा। तो मैं सबसे पहले इसमें एक पेपर लोड कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो बनाते टाइम मेरे पास सिर्फ अभी ये एक पेपर बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाया, क्योंकि मेरे को प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, ये सडनली प्लान बनाया, और अभी नाइट के टाइम में अभी कहीं से पेपर अरेंज नहीं कर सकता, तो शायद इस एक पेपर से काम हो जाएगा। सो मैंने एक पेपर लोड किया इसमें, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने लोड कर दिया है। इसमें बहुत अच्छे स्मूथली इसमें हम
बिल्कुल स्मूथली पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे हम सेट कर सकते हैं। और ये हमारी ट्रे में पेपर लग चुका है, हमने ट्रे लगा दी है और अब हम इसमें प्रिंट निकालने की कोशिश प्रिंट निकालना शुरू करते हैं। प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल मीन्स इसको फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो अभी हम प्रिंटर को दे रहे हैं पावर, ये हमारा प्रिंटर दोस्तों, प्रिंटर को पावर मिल चुका है और हम प्रिंटर की फर्स्ट बोट ऑन करते हैं। दोस्तों प्रिंटर को पावर मिल चुका है और प्रिंटर ऑन हो चुका है। ऑन करते हैं प्रिंटर में, प्लीज वेट लिखा आ रहा है। अब इसमें हम फर्स्ट टाइम इंक डालेंगे। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो प्रिंटर पे लिखा रहा है फिल इंक टैंक, हमें अब इंक फिल करनी है इसमें। आप देख सकते हो, आप शायद क्लियरली दिख रहा होगा, तो अभी हमें इसमें इंक फिल करनी है। इंक फिल करने के लिए हमने पहले से हमारी बोतल रेडी करके रखी हुई है, तो आप देख सकते हो ये हमारी इंक है, ये हमारी इंक की बोतल है। अभी हमारे पास जो इंक है हमने खोल दिया है और जस्ट इसको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर हम इस तरह से इसको बस आप ऐसे बोतल को छोड़ दोगे और बोतल अपने आप ही इसमें खाली हो जाएगी। दोस्तों आप इसकी नोट सुन सकते हो इंक खाली होने की। सो हमारी एक बोतल खाली हो चुकी है, मैंने तो थोड़ा खुश भी किया था बट ये ऑलरेडी खाली हो चुकी है, इसमें अभी कुछ भी नहीं बचा है। आई थिंक जो थोड़ा बहुत है ये पूरा खाली हो चुका है। सो आप देख सकते हो हमारी बोतल है जो पूरी खाली हो चुकी है और अब हम बनने वाला है सेकेंड इंक, तो अब हम फिल करेंगे शाइन इंक। तो ये हमारी शाइन इंक है, ऑलरेडी पैकिंग हमने ऑलरेडी खोल थी इसकी, तो इसकी कैप हटाई अपन ने और हम पहले इसका कैप लगा देते हैं, मैजेंटा इंक का कैप लगा देते हैं। कैप लग चुकी है इसमें, दोस्तों आप आवाज सुन सकते हो इंक जाती हुई। दोस्तों इंक की आप सुन सकते हो, इंक फिल हो रही है और जस्ट ये ऐसे मैं इसका माइक नीचे कर दिया। सो इसी तरह से हम बाकी की इंक भी फिल कर लेते हैं।
दोस्तों मैं इसे पुश कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह की स्पीड से बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं इसको मैन्युअली पुश करके और थोड़ा फास्ट इसको फिल कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये फिल हो चुका है, बोतल हमारी खाली हो चुकी है। सो हमारी जो बोतल है वो खाली हो चुकी है, बोतल खाली हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। सो अब हमारी बची है येलो इंक, ये हमारी लास्ट येलो इंक बची है, तो अब हम इसे येलो इंक फिल कर देते हैं। सो यहाँ से इसका लेवल देख सकते हो आप, पूरा इंक इसमें फिल हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, इनमें कुछ नहीं बचा है, ये सारी इंक है, ये सब खाली हो चुकी है। सो प्रिंटर को अब करते हैं ऑन। एक्चुअली प्रिंटर का पावर गलती से बंद हो चुका है, तो प्रिंटर को वापस हम ऑन करते हैं। दोस्तों प्रिंटर गलती से बंद हो चुका था, तो हम इसे फिर से ऑन कर दिए हैं प्रिंटर को। तो अब हम सेम चीज़, हमने इंक ऑलरेडी फिल कर दी है, आप चाहो तो प्रिंटर बंद में भी इंक फिल कर सकते हो, ऑन में भी कर सकते हो, बस बाद में इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हमें। सो प्रिंटर भी ऑन हो रहा है, तो आपको पता है हमने इंक ऑलरेडी फिल कर ली है, तो फिल इंक टैंक, अब केवल हमें इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो हमने इंक फिल कर ली है, तो प्रेस ओके। सो एक बार कवर ऑन ऑफ करेंगे हम। डिड यू फिल इंक? यस। ये सारी इंक के बारे में पूछेगा एक बार। शान येलो मैजेंटा, शान भी फिल कर दी हमने, येलो यस। आप बेसिकली आपकी दबाओ, दोस्तों हम ओके प्रेस करके आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम की जो प्रोसेस होती है, अगर हम इसे पूरा होने देते हैं तो प्रिंटर में इन फ्यूचर दिक्कत आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो इंक हेड तक पहुंचने के बाद उसमें एयर नहीं रह जाए, या ऐसी दिक्कत आती है जो प्रिंटिंग में बाद में प्रॉब्लम करती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब प्रिंटर इंस्टॉल होता है तो उसे ये जो प्रोसेस है ये पूरी होने देना ज़रूरी है। जब ये प्रोसेस खुद ब खुद रुक जाएगी उसके बाद हमें इसको आगे बढ़ाना है।
सो दोस्तों सेटअप हो चुका है, इंक इंसलेज हो चुकी है, इंक हेड तक पहुंच चुकी है और प्रिंटर से आवाज़ आना बंद हो चुकी है, इट मीन प्रिंटर अब रेडी है। तो हम अब सेटअप को आगे बढ़ाते हैं। प्रेस ओके टू डेट एंड सेट, डेट एंड टाइम सेट करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम इसे एज इट इज़ ओके कर देते हैं। मैं इसको भी टाइम सेटअप नहीं कर रहा हूँ। सो जस्ट मैंने ओके ओके प्रेस किया और ये प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है। अब ये स्टार्ट बटन प्रेस करते ही इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो आ जाएगी। तो मैंने दबा दिया है स्टार्ट बटन, पेपर हमारा। सो हमारा प्रिंटर इंस्टॉलेज हो चुका है, प्रॉपर सेटअप हो चुका है। क्वालिटी ओके, यस। सो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, प्रिंटर हमारा प्रॉपर वेरी वेल इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी, यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे पेपर थोड़ा गंदा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक डॉट नहीं है जिसकी, बेसिकली यहाँ पे पूरे डॉट आनी चाहिए। अगर डॉट कम आता है इट मीन्स आपकी इंक प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई है, प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपके सारे ब्लॉक भरे हुए हैं इट मीन ये बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज़ प्रिंटर। सो अब मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ प्रिंटर के बारे में। ये जो प्रिंटर है दोस्तों, अगर ये प्रिंटर जैसे आपके शॉप पे लगा या कहीं पे ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे मल्टीपल टाइप के पेपर यूज होते हैं, जैसे हम फोटो भी निकालते हैं और हम A4 पेपर से प्रिंट आउट भी लेते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि फ़ोटो वाले पेपर कम यूज होते हैं और A4 पेपर ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम हर बार, अगर आप A4 पेपर से प्रिंट कर रहे हो और आपको फ़ोटो निकालनी है, तो आप हर बार ट्रे खोल के पेपर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको। बाकी सब प्रिंटर में ट्रे खोल के ही या मैनुअल पेपर चेंज करके ही हमें करना पड़ता है, लेकिन इस प्रिंटर में ऐसा फीचर है जो कि मैं पहले भी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, मैनुअल पेपर फीडर। इसका यूज़ ये दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फ़ोटो अपने नॉर्मल A4 पेपर लगा रखे हैं, प्लेन पेपर लगा रखे हैं और आप फोटो कॉपी करते हो या प्रिंट आउट निकालते हो, इस दौरान अगर आपके अगर कहीं शॉप है और आप शॉप पे या आपको अचानक फ़ोटो निकालनी है, तो आपको इस ट्रैक को खोल के पेपर चेंज नहीं करने हैं। आपको सिंपली आपके प्रिंटर के पीछे एक ऑप्शन दिया है, मैं पावर कोड हटा रहा हूँ क्योंकि छोटी है। सो उस केस में आप प्रिंटर के पीछे मैनुअल पेपर फीडर है, इसे हम खोलेंगे और आपका जो पेपर का साइज है आप उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करोगे और आपकी ट्रे डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी जो ट्रे है वो एज इट इज उसके पेपर लगे रहेंगे। मैनुअल पेपर फीडर में जो पेपर हम लगाते हैं पहले पिकअप वो करेगा, ट्रे सेकेंडरी होता है पिकअप करने का, फर्स्ट पेपर यहाँ से उठाएगा। तो आपका उसी दौरान फोटो या जो भी आपका प्रिंट आउट है वो यहाँ से निकल जाएगा, या सेम केस आप फोटो ज़्यादा निकालते हो तो फोटो पेपर नीचे रहेंगे और बीच में आपको अचानक अगर A4 पेपर नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकालना हो तो आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। सो एक तो इसका ये फीचर हो गया, एक दूसरा अगर इसमें इन फ्यूचर कभी पेपर फंस जाता है तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ से इसको प्रेस करके और यहाँ से खोलेंगे और हमारा पेपर यहाँ में मिल जाएगा। ये जो है यहाँ पे हमारा पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी फंसा हुआ पेपर मिलेगा हम उसे निकाल सकते हैं। एक यहाँ से निकालते हैं और एक इसका फंसा पेपर निकालने का एक तरीका एक और है। हम हमारे प्रिंटर को कुछ इस तरह से उल्टा करेंगे, हम इसकी ट्रे निकालने के बाद में हमारे इस पार्ट में पेपर मिलने का होता है और इसमें एक फीचर दे रखा है। आप इसको अगर हम पीछे करेंगे, यहाँ पे दो लॉक दिए हुए हैं, ये दो लॉक की अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है, ये लॉक हम ऐसे पीछे करेंगे तो इसका जो रोलर है उसमें गैप आ जाएगा और पेपर के अटका हुआ है तो वो नीचे गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसका शॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये करने के बाद में एक बार प्रिंटर ऑन करोगे पेपर अपने आप निकल जाएगा, उसके बाद वापस इसको उसी पोजीशन पर लाना है। तो आप देख सकते हो
ये जो इसका रोलर है, मैं जैसे इसको इधर इस टैब को पीछे ले जाऊंगा तो आप देखोगे ये नीचे जा रही है। सेम उस तरफ भी देखो आप, ये नीचे जा रही है। इसमें इसके बीच में गैप आ गया। गैप आने की वजह से क्या होता है, फंसा हुआ जो पेपर होता है जहाँ भी अटका होता है वो उसकी पोजीशन बदल जाती है, वो नीचे गिर जाता है या बाहर निकल जाता है। तो ये इसका ऑप्शन आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ये किसका हिडन फीचर पेपर फंसने पर। सो हमारा ये प्रिंटर पूरा रेडी हो चुका है।